भारत के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों से मुल्क ये उम्मीद करता है कि जब वो देश से बातचीत करें, राष्ट्र को संबोधित करें, तो देश के साथ सच और पूरा सच और सिर्फ सच बोले। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कल रात जब प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य चलचित्र के ऊपर प्रसारित किया गया तो प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत की सरहद में कोई भी घुसपैठ चीन की तरफ से नहीं हुई है। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक का वक्तव्य था, क्योंकि इसका ये मतलब है कि 4-5 मई से जो भारत और चीन की सीमा पर हो रहा है वो चीन के क्षेत्र में हो रहा था या चाइनीज टेरिटरी में हो रहा था। तो यही तो बात चीन निरंतर और लगातार कहता आ रहा है, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि तथ्य इससे बिल्कुल विपरीत। सुरक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञों का ये मानना है कि चीन ने आर्मी ने भारत की 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर सरजमीन के ऊपर कब्जा किया है, और 14-15 जून की रात को जो दर्दनाक वाकया हुआ जिसमें 20 हमारे सैनिक शहीद हुए, 100 से अधिक घायल हैं और 10 को बंदी बना लिया गया जिनको बाद में चीन की सेना ने छोड़ा, ये 1975 के बाद सबसे बड़ी एस्केलेशन चीन और भारत सीमा के ऊपर हुई है। हम सरकार से, प्रधानमंत्री से ये मांग करना चाहते हैं कि भारत चीन सीमा पर जो भी घटनाक्रम 1 अप्रैल 2020 से हो रहा है उसका पूरा विवरण, उसका सही विवरण, उसकी सही जानकारी देश को दें, क्योंकि ना ही तो ये खुफिया तंत्र का एक बहुत बड़ी विफलता है, पर उसके साथ साथ ये भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। और भारत के लोग, 134 करोड़ लोग प्रधानमंत्री से, सरकार से उम्मीद करते हैं कि उसकी सही जानकारी देश को दें, क्योंकि ना ही तो ये खुफिया तंत्र का एक बहुत बड़ी विफलता है, पर उसके साथ साथ ये भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। और भारत के लोग, 134 करोड़ लोग प्रधानमंत्री से, सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उन 20 जवानों की शहादत का पूरा मूल चीन को चुकाना पड़ेगा। और अगर सरकार चीन से उन 20 जवानों के खून का बदला नहीं लेती तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।